नमस्कार, एनबीसी न्यूज के टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का उद्घाटन। विवेकानंद जयंती के अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों से 30,000 युवा होंगे शामिल। लखनऊ में 10 फरवरी तक लागू रहेगी धारा 144, आगामी त्योहारों को देखते हुए लिया गया निर्णय। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर घमासान, मुस्लिम समुदाय पर दिया था बयान। दिल्ली सरकार ने ऑटो और टैक्सी के किराए में की जबरदस्त बढ़ोतरी। एफसीआई घोटाले में 50 ठिकानों पर छापेमारी, सीबीआई ने किया 74 के खिलाफ केस दर्ज। राज्य में अनाधिकृत स्कूलों पर लगेगी लगाम, मुंबई में अब तक अवैध रूप से चल रही हैं 239 विद्यालय। विलेज डिफेंस कमेटी के हथियारबंद वॉलंटियर्स दहशत से निपटने के लिए हो गए हैं तैयार। उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश का अनुमान, फिर से लौटेगी शीतलहर। आईसीसी ने जारी की वनडे के लिए नई रैंकिंग, 2 स्थानों की छलांग लगाकर 6 नंबर पर पहुंचे विराट कोहली। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी RRR, नाटू नाटू गाने को मिला बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी अवार्ड।